नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों काफी अच्छा रहा दिन का ट्रेडिंग सेशन आज का, हालांकि लॉस आज भी लगे हैं इन्वेस्टर्स को, प्रॉफिट बहुत कम हुआ है। लेकिन इंडाइसिस पे देखें तो निफ्टी ने आपको एक शार्प तेजी दिखाई, डेज हाई पे क्लोजिंग। बैंक निफ्टी तो लीडरशिप लेते हुए दिखी, लगभग 1% से ज्यादा की आपको तेजी दिखी। बट यहां मैं आपके साथ जो चीज शेयर करने जा रहा हूं वो अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग तो इसका ब्लेम भी मेरे ऊपर ही डाल देते हैं, भाई आप नेगेटिव न्यूज देते हो। बट फैक्ट ये है कि आपको सिर्फ मैं जागरूक कर रहा हूं, आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं एक्चुअल में सिचुएशन चल क्या रही है, एंड जो दिख रहा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अच्छी चीज होती है तो वो भी करता हूं, काफी लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। बट काफी सारे कमेंट्स इस तरीके की वीडियो पे भी आते हैं, भाई नेगेटिव वीडियो मत बनाओ, बट प्लीज सपोर्ट मी। एंड ये सब अगर मैं नहीं करूंगा तो आज नहीं तो आपको 2 दिन बाद पता चलेंगी चीजें, तो आपको लगेगा भाई आपने तो बताया ही नहीं। अब सबसे पहले मैं थोड़ा पीछे से शुरू करूंगा। इस हफ्ते काफी वॉलेटिलिटी देखी आपने। सबसे पहले शुरुआत जो हुई खराब चीज की, वो इस बार शुरुआत करी है सिलिकॉन वैली बैंक ने, जो कि कॉलैप्स कर गई। लगभग इन्होंने अपने बॉन्ड्स बेचे, 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद इन्होंने फंड रेजिंग के लिए सोचा। इन्वेस्टर्स को चिंता हुई कि इनके पास पैसा नहीं है तो अपना फंड विड्रॉ करते हैं, और यहीं पे बैंक खत्म हो गई। एंड जब बैंक कॉलैप करी, खत्म कर गई, तो फिर सरकार ने कहीं ना कहीं सहायता करी, डिपॉजिटर्स को भरोसा दिलाया कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। हाँ, जिसने एसबीपी को लैंड करा था उनके पैसे मारे गए। इस तरीके से पहली बैंक कॉलैप्स करती है सिलिकॉन वैली बैंक। अगले दिन ही एक और बैंक हुई सिग्नेचर बैंक, कॉलैप्स कर गई, खत्म हो गई, बिल्कुल बर्बाद। फिर नेक्स्ट डे फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का शेयर सामने आया, जो कि 62% क्रैश होता है। अगले दिन जंप आता है और नेक्स्ट डे पता चलता है कि क्रेडिट स्विस के मामले में, क्रेडिट स्विस कहीं ना कहीं अब खतरे में आ रही है। और फिर इन्वेस्टर्स को ज्यादा चिंता होने लगती है कि अगर क्रेडिट स्विस जैसी बड़ी ग्लोबल बैंक खतरे में आएगी तो 2008 वाला लेमन ब्रदर वाला केस दोबारा हो सकता है। लेकिन यहां भी 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरीके से क्रेडिट स्विस के लिए हेल्प आ गई, और क्रेडिट स्विस को लगभग स्विस नेशनल बैंक ने $50 बिलियन की सहायता करी कि आपको जो लिक्विडिटी चाहिए हम देंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। जो स्टॉक 30% क्रैश हुआ, रिकवर हुआ, 25% गिरकर बंद हुआ, अगले दिन 20% जंप करता है, तो जहां से गिरा था वहीं पहुंच गया। उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को लगभग 11 बड़ी बैंकों ने मिलकर मदद दी, और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को भी कहीं ना कहीं बचाने की तैयारी करी। इस तरीके से लगभग 4-5 बैंक आपके सामने इस हफ्ते यूएस में वॉलेटाइल, और दो तो खत्म हो गई और दो बैंकों को बचाया गया, क्रेडिट स्विस एंड फर्स्ट रिपब्लिक। लेकिन यहां मैं आपके साथ फिर क्यों कह रहा हूं कि दोबारा से एक और खराब खबर है। खराब खबर यह है कि क्रेडिट स्विस में सब कुछ हो जाने के बाद, यानी कि जो $50 बिलियन की मदद हो चुकी है स्विस नेशनल बैंक से, उसके बावजूद अभी आपको प्री ओपनिंग में लगभग 10% का क्रैश दिख रहा है। 10% दोबारा से क्रेडिट स्विस का शेयर गिर रहा है। कल के सेशन में लगभग अमेरिका की 11 बड़ी बैंकों ने मिलकर फर्स्ट रिपब्लिक बैंक को मदद दी है $30 बिलियन। उसके बावजूद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का शेयर 16% क्रैश दिख रहा है। जब भारतीय बाजार 3:30 बजे डेज हाई के आसपास क्लोजिंग दे रहे थे, अमेरिका के बाजार में लगभग 100 पॉइंट्स की तेजी दिखी आपको, डाउ जोन्स में 50 पॉइंट समथिंग, एंड यूरोप के बाजार कितना अच्छा ट्रेड कर रहे थे। अभी वही डाउ फ्यूचर्स 180 पॉइंट्स नीचे दिख रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट स्विस का शेयर नीचे आ गया है, क्योंकि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का शेयर प्री मार्केट में ओपन दिख रहा है। एंड यहां पे आपको अगर मैं डाउ फ्यूचर्स तो अभी बताया मैंने आपको, जैसे कि 180 पॉइंट्स के समथिंग नीचे दिख रहे हैं, और यहां अगर मैं आपके साथ यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं तो पूरी टर्न अराउंड हो गई है स्टोरी। जो आपको एक एक आधे आधे एक एक परसेंट की तेजी में थे वो लाल निशान में आ गए हैं, और छोटा मोटा नहीं, आधे परसेंट से बड़ी गिरावट है। फिटसी 0.4% डाउन, डेक्स आधे परसेंट डाउन, कैट 0.67% डाउन। तो ये हाल अच्छे नहीं है दोस्तों, ये थोड़ा सा डरावना चेहरा सामने आ रहा है, ये डरावनी पिक्चर है। और मैं आपके साथ कंटिन्यू वही कह रहा हूं, इतनी जल्दी मत करो। मैंने अदानी पे भी यही कहा था, जल्दबाजी मत करो, कुछ भी नहीं बन रहा, आप पैसा देखो। वो वॉलिटिलिटी भी खत्म हो गई, अब तो मुझे लगता है धीरे धीरे ना पेशेंस लूज होगा। इस एक 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 जो रिटेल इन्वेस्टर होता है ना, जो नया बिगनर होता है, उसे लॉस खाने में भी मजा आता है, बट ऐसे ऐसे होता रहे। अगर मार्केट ऐसे होगा ना तो वो परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ता है।
मैं आपके साथ नेगेटिव चीजें इस समय रखूं तो वो बहुत सारी दे दूंगा, और पॉजिटिव चीज में अगर ढूंढने भी निकलूंगा तो मुझे नहीं मिलेगी। आज आपको स्क्रीन पे तेजी मिली है भारतीय बाजार में, सेकंड हाफ में बड़ी तेजी आई, लेकिन उसके बावजूद FIIs का फिगर सुनिए आप। FIIs मुझे पर्सनली लग रहा था आज बायर बनेंगे, क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे पॉजिटिविटी आ रही है, प्लस डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे यहाँ 1766 करोड़ की सेलिंग देखने को मिल रही है। मेरे सामने रोज कोई ना कोई बैंक कॉलेप्स कर रही है, कॉलेप्स तो नहीं कहेंगे लेकिन क्रैश हो रही है यूएस में बात करें, मेरे को कंटिन्यू FIIs बेचते हुए दिख रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की डाटा बता रहा है कि म्यूचुअल फंड में लगभग फरवरी मंथ में 14 लाख अकाउंट्स बंद करे गए हैं SIP के। मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है इसके ऊपर, एंड अगर पिछले 3 महीने का औसतन डाटा देखें तो 13 लाख अकाउंट SIP रोकी जा रही है, और जो स्टॉपेज रेशियो है ये म्यूचुअल फंड्स का SIPs का, यानी कि जो अकाउंट ओपन हो रहे हैं फ्रेश और जो अकाउंट बंद हो रहे हैं, वो 0.68% पे आ गया है, और ये सबसे ज्यादा हायर लेवल पे आ गया है स्टॉपेज रेशियो। एवरेज स्टॉपेज रेशियो अराउंड 0.5-0.51% का है, तो ये थोड़ी नेगेटिव है। इनफैक्ट सारी की सारी ऐसी चीज जो लिक्विडिटी, यानी कि म्यूचुअल फंड पैसा आता है, DIs पे जो पैसा है वो रिटेल कैटेगरी का SIP के द्वारा आता है, वो पैसा ही नहीं आएगा तो फिर ये कैसे संभालेंगे। FIIs बेच रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर अब खरीदने के मूड में यानी फ्रस्ट्रेट हो गया है, मार्केट में डीमेट अकाउंट कम हो रहे हैं, ये आपको CDSL का डाटा बताता है। तो इस समय मार्केट थोड़ा कॉशियस साइड पे रहिए, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। और आज चाइना ने अपना RRR लगभग 25% से घटा दिया है, दुनिया में कहीं ना कहीं रिसेशन की बात चल रही है, वो लिक्विडिटी बांट रहे हैं, उनका क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी उतनी जल्दी मेरे को लगता है आपको अपना पैसा निवेश नहीं करना चाहिए, ट्रेडिंग पोजीशन है, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखें, बस यही रहेगा। जो भी अपडेट होगी शेयर करूंगा। और एक चीज और, अभी मैं क्रेडिट सोइस 10% गिरा है तो वो बता रहा हूँ, अगर मार्केट खुलने के बाद 10% ऊपर आता है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, बट अभी जो दिख रही है वो खराब पिक्चर है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो यदि मेरी वीडियो, होप आप लोगों को जानकारी पसंद और समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।